हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्सी पाठशाला। आई होप कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से चल रही होगी। एग्जाम जो है स्टार्ट होने वाला है जून के महीने में। समय बहुत ही कम बचा है, फटाफट आप नोट्स ले सकते हैं हमारे पास से। और उन्हीं नोट से मैं एक क्वेश्चन अभी आपको कराने वाला हूँ, जो कि है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी, MCO 23। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एज वेल। और ये MBA का सब्जेक्ट है जिसको MCOM में इंक्लूड किया गया है। सारे स्टूडेंट्स को मे बी अभी तक नहीं पता हो ये बात, सो जस्ट टू इन्फॉर्म देम आई एम सेइंग दिस। एंड लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक विदाउट यू नो वेस्टिंग एनी टाइम। स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, सो उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज, और बेल आइकन दबा दो ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कुछ चीजें और बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको हर एक तरह की अपडेट मिल जाएगी। नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज पर पेपर में मिल जाएंगे, जिसकी प्राइस जो है 300 रुपीज के आसपास थी। ऑन डिमांड लेक्चर्स मिल जाएंगे, असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे अगर आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ते हैं। And there are many more benefits. If you want to know more, you can directly call or WhatsApp me at my number, which is 8101065300. Okay, then, so let's start the topic now. State the difference between strategy and policy. तो in general आपको पता है कि strategy क्या होती है ना? जब हम किसी काम को करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ढेर सारे plan of actions create करते हैं, सोचते हैं कि इस काम को हम इस तरीके से करेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। So this is all about strategy. ठीक है ना? लेकिन पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो पॉलिसी एक्चुअली एक तरह से बनी बनाई एक रूल्स की तरह होती है, जिसको आपको फॉलो करना होता है ना? स्ट्रेटजी में हम प्लान को बनाते हैं, ठीक है ना, और पॉलिसी जनरली बनी हुई होती है जिसके जिसको हमने एग्जीक्यूट करना होता है। आप ऐसे इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है ना? तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब हम जो बुक में है उसके उससे रिलेटेड जो है वो हम करते हैं। सॉरी, थोड़ी सी हिंदी मेरी प्रॉब्लम हो रही है। It's okay. So let's start. Now, in earlier times, when strategy was not in organized form, the concept of business policy was more in use. ठीक है ना? पहले के टाइम में जब स्ट्रेटेजी एक तरीके से ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं थी, तो पहले के टाइम में बिजनेस पॉलिसी का जो इस्तेमाल जो है वो ज्यादा होता था। देखो, पॉलिसी जो होती है थोड़ी सी रिजिड फॉर्म में होती है ना, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है। लेकिन अगर देखा जाए स्ट्रेटेजी, तो स्ट्रेटेजी हमेशा एज पर द सिचुएशन वो बदलती रहती है ना? तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि पहले के टाइम पे बिजनेस पॉलिसीज होती थी जिनको लोगों को फॉलो करना होता है, बिजनेस को फॉलो करना होता है। बट एज ऑफ नाउ अभी के टाइम पे क्या होता है कि स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, चीजों को चेंज किया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, सो दैट इज स्ट्रेटेजी वॉज ऑफन यूज एज अ सिनोनिम ऑफ पॉलिसी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट बोथ आर नॉट सिमिलर इन नेचर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों तकरीबन एक जैसा लगेगा सुनने में, बट बिल्कुल ही दोनों सेम नहीं है, दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, स्ट्रेटजी इज अ प्लान ऑफ एक्शन वेयर पॉलिसी इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्ट्रेटजी क्या होता है? प्लान ऑफ एक्शन होता है, लेकिन पॉलिसी सेट ऑफ रूल्स होता है जिसको फॉलो करना होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स। नाउ पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी वेयर इट कम्स इट बिकम्स वेयर देयर सॉरी पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी देयरफॉर इट एट टाइम्स इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट द टू। ठीक है ना? सो पॉलिसी जो होती है वो स्ट्रेटजी का एक पार्ट है, आप समझ लो। पॉलिसी स्ट्रेटजी एक्चुअली बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना? पॉलिसी जो है सिर्फ उसका एक पार्ट है, आप बोल सकते हो स्ट्रेटजी का, जहां पे आपको ये यू नो डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर जितना आप डीप इसको पढ़ेंगे उतना आपका क्लियर होते जाएगा। अब हम इस चीज को जो है पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स एंड यू नो जो डिफरेंशिएटर होता है उसके बेसिस पे हम लोग इसको चेक करने की कोशिश करेंगे। नाउ द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएटर, अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो स्ट्रेटजी इज अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। सिंपल सा है, स्ट्रेटजी एक प्लान ऑफ एक्शन होता है जहां पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए आप उसको करते हो। पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी इज द गाइडलाइंस फॉर सर्टेन एक्शंस एंड डिसीजंस टू बी टेकन एज अ पार्ट टेकन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? तो पॉलिसी जो होता है रूल्स एंड गाइडलाइंस होती है जिसको फॉलो करना होता है, जिनको लेना होता है। यू नो आप जब भी आप कोई एक्शन लोगे, कोई डिसीजन लोगे, तो उन पॉलिसीज के बेसिस पे ही आपको लेना पड़ेगा, आप उसके बाहर नहीं जा सकते, है ना? बट स्ट्रेटजी में ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्ट्रेटजी जो है प्लान ऑफ एक्शन है, पॉलिसी क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन है। मतलब जब आप कोई एक्शन करोगे तो उसका प्रिंसिपल क्या होगा, है ना? सिद्धांत क्या है कि भाई ये काम मुझे इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, इससे समाज को नुकसान नहीं होना चाहिए, ये लोगों की बेहतरी के लिए है, है ना? ये थोड़ा सा मैं सोशलिस्टिक हो गया, बट इट्स ओके। आप इसको इसी तरह से समझने की कोशिश करो कि ये प्रिंसिपल है ना, एक तरीके से एथिक्स है, आप बोल सकते हो कि ऐसे होना चाहिए। नेचर की बात करें तो स्ट्रेटजी फ्लेक्सिबल होती है, जैसा मैंने बताया। पॉलिसी फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड बारिंग एक्सेप्शन उसमें होते हैं।
एप्लीकेशन की बात करें तो रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्यूचर सिचुएशंस और सिचुएशंस व्हिच मे अकर इन फ्यूचर, है ना। एप्लीकेशन की अगर बात करें तो इसका जो रिलेशन होता है वो डिसीजन मेकिंग के साथ ज्यादा होता है और ऐसे सिचुएशंस के साथ ज्यादा होता है जो कि इन फ्यूचर में अकर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सर्टेन नहीं है, जो फ्लेक्स जो स्ट्रेटेजी होती है वो बदलती रहती है। इससे ये बात पता चलता है कि जब हम किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ होगा तो हम ऐसा करेंगे, ये हमारी पॉलिसी उस टाइम पे होगी, तो वो डेफिनेटली वो फ्लेक्सिबल है, वो फिक्स नेचर में नहीं है, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी की अगर हम बात करें तो रिलेटेड टू द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉम्पिटिटिव रिपीटेटिव एक्टिविटीज गवर्न्स एंड कंट्रोल्स मैनेजमेंट एक्शन, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल वर्ड में इसको मैंने समझाने की कोशिश की है, आई होप कि ज्यादा दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। ओके, डायरेक्शन की अगर बात करें तो एक्शन ओरिएंटेड होता है, स्ट्रेटेजी में एक्शन लेने होते हैं आपको। पॉलिसी ज्यादातर जो है डिसीजन ओरिएंटेड होता है, इसमें एक्शन नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें जो है सेट होती है कि ऐसे करना है, है ना। तो ये डिसीजन ओरिएंटेड होता है कि डिसीजन आपका क्या होगा। फॉर्मुलेशन की बात करें तो स्ट्रेटेजी जो होती है वो टॉप लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है, पॉलिसी जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। कवरेज की बात करें तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्ट्रेटेजी ज्यादा कवर करता है, पॉलिसीज की बात करें तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट को ज्यादा कवर करता है। बोलते हैं ना कि ये बिजनेस की पॉलिसी नहीं है, अगर आप सुबह में 9 बजे आपका ऑफिस टाइमिंग, आप 10 बजे आ रहे हो तो आप पॉलिसी के बाहर जाकर काम कर रहे हो, 10 बजे नहीं आना आपको, आपको 9 बजे ही आना है, है ना। तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में स्ट्रेटेजी हम क्या करेंगे कि सपोज अगला महीने जो है छुट्टी होने वाली है, बहुत ढेर सारी छुट्टियां हैं, लेकिन आपका टारगेट है कि आपको इस प्रोडक्ट को सेल करना है उन छुट्टियों में, तो आप कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओगे जिसके जरिए आप उन वीकेंड्स पे जो छुट्टियां हैं, जो हॉलीडेज हैं, उसको होने के बावजूद आप अपने सेल को बढ़ा सको, है ना। तो ये आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इसका जो कवरेज होता है स्ट्रेटेजी का। नाउ डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो प्लान ऑफ एक्शन यूज टू अचीव द गोल्स, जो प्लान ऑफ एक्शन होता है उसका इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको। पॉलिसी के डिस्क्रिप्शन की बात करें तो सेट प्रिंसिपल्स डिस्क्रिप्शन डूज एंड डोंट्स, है ना, पॉलिसी में डूज एंड डोंट्स ही होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ मिनी मिशन स्टेटमेंट, है ना, आप इसको एज ए मिनी मिशन स्टेटमेंट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स, अब थोड़ा सा इसको क्लोजर कर लेते हैं, उसके बाद जो है ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रोल दैट पॉलिसी हैज टू बी इंटरप्रेटेड विद स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। सिंपल सी बात है कि ये बहुत जरूरी है पॉलिसी को समझना कि उसका इंटरप्रिटेशन आप स्ट्रेटजी की तरह किस तरीके से करोगे। दोनों चीजें डिफरेंट हैं, अगर आप दोनों को सेम तरह से लेकर के चलोगे तो आपको दिक्कत होगी। तो दोनों को एक तरीके से डिफरेंशिएट करना, दोनों को समझना, है ना, ताकि उसका इंप्लीमेंटेशन ठीक तरीके से हो सके, ये बहुत जरूरी होता है। नाउ पॉलिसी कैन बी जनरल और स्पेसिफिक, पॉलिसी जो है वो जनरल स्पेसिफिक दोनों से हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल हो सकती है, फंक्शनल हो सकती है, रिटन हो सकती है, इंप्लाइड हो सकती है, है ना, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फॉर एग्जांपल व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ टू एम्प्लॉइज इज सिमिलर, जब दो एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस सिमिलर हो, द प्रमोशन पॉलिसी, जो की प्रमोशन पॉलिसी, किसको प्रमोशन मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, वहां पे आप क्या करोगे, मे रिक्वायर द प्रमोशन ऑफ सीनियर एम्प्लॉई एंड हेंस ही और शी वुड बी एलिजिबल फॉर प्रमोशन। दोनों का परफॉर्मेंस सेम है ना, लेकिन आपकी कंपनी की पॉलिसी है जो सीनियर है, जो सीनियर मोस्ट, जो ज्यादा समय से आपके पास काम कर रहा है, आप उसको प्रमोट करोगे। हालांकि अभी के टाइम पे ये चीज फॉलो नहीं हो रही है कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में, अभी के टाइम पे जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको 20 लाख पर एनम मिल रहा है, पर जो लोग एचआर हैं, जो लोग पुराने एम्प्लॉइज हैं, उनको उतना नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग थोड़े से पुराने हैं, उनको उतना नॉलेज नहीं है अभी के टाइम का। सो देयर आर रीजंस फॉर श्योर, लेकिन स्टिल जो सीनियर है उनको ही मिलना चाहिए। और यहाँ पे वही बात बोली जा रही है कि जो सीनियर होता है, दोनों का परफॉर्मेंस सेम है, एक फैक्टर ये भी है ना कि परफॉर्मेंस सेम होना चाहिए। तो अगर परफॉर्मेंस सेम है तो आपको जो है बेनिफिट प्रमोशन उसी को मिलेगा जिस जो पुराना हो बंदा होगा, जो एम्प्लॉई सीनियर होगा। ओके, स्ट्रेटेजी हैज ऑफन बीन यूज्ड एज अ सिनोनिम ऑफ पॉलिसी, जैसा कि मैंने बताया हम लोग मोस्टली सिनोनिम के तरह इस्तेमाल करते हैं, पर दोनों डिफरेंट होता है। हाउएवर बोथ आर डिफरेंट एंड शुड नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, दोनों डिफरेंट होता है, दोनों का इस्तेमाल इंटरचेंजेबली नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पॉलिसी को स्ट्रेटेजी बना दिया, स्ट्रेटेजी को पॉलिसी बना दिया, राइट। पॉलिसी रिटन होगा कि ये हमारी पॉलिसी है, पॉलिसी का एक प्रूफ होगा, एक रूल्स एंड गाइडलाइंस होगी, लेकिन स्ट्रेटेजी का ऐसा नहीं होता। स्ट्रेटेजी बहुत फ्लेक्सिबल होता है, कभी भी बदल सकता है। नाउ पॉलिसी इज द गाइडलाइन फॉर डिसीजन एंड एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ सबॉर्डिनेट्स, जैसे मैंने बताया इट इज अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेड फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, व्हाटएवर यू से, ठीक है ना। तो ये जनरल स्टेटमेंट होता है जिसको आप समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो कि आपका जो अचीवमेंट है, आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है उस चीज को अचीव करने का, वो आप कैसे करना है आपको, ठीक है ना।
Whereas strategies and policies both are the means towards the end. दोनों ही चीजें आपको आखिर तक लेकर के जाएंगी, दोनों ही चीजें आपको बेहतर बनाएंगी. In the other words, both are directed towards meeting or organization objectives. दोनों का direction same होता है कि उनको जो है जो भी organization objectives उनको पूरा करना है. The strategy is the rule of making decision, while policy is contingent decision. ठीक है? Strategy जो होता है वहाँ पे आप decision को make करते हो, while policy अगर जो होता है वो contingent decision होता है. यहाँ तक I think उल्टा-उल्टा हो गया ये. ठीक है? Strategy contingent decision होगा. कंटिजेंट मतलब ऐसा डिसीजन जो कि इन फ्यूचर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. और पॉलिसी जो होता है वहां पे जनरली आप डिसीजन लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स और गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स व्हाटएवर इट इज अवेलेबल. ठीक है ना? सो दैट्स व्हाट इट इज. आई होप कि ये लेक्चर आपको काफी पसंद आया होगा. और अगर आपके लेक्चर पसंद आया है भाई तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो. जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नोट्स हमारे पास अवेलेबल है एग्जामिनेशन के लिए. अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पे, विच इज 8101065300. एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑनलाइन क्लासेस और ऑन डिमांड लेक्चर्स और एनी कंफ्यूजन और क्वेश्चन इफ यू हैव इन योर माइंड, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी एट माई सेट नंबर, वट एवर आई सेट जस्ट व्हाइल अगो. आई एम नॉट गोना रिपीट इट. एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन. थैंक यू सो मच. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.